हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग फिटनेस। दोस्तों आज बात करने वाले हैं कैसे हम बियर्ड को ग्रो कर सकते हैं। देखो यार, सबको ग्रो करना है अपना बियर्ड। काफी सारे फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स एंड सेलिब्रिटी अपने बियर्ड का जलवा आजकल दिखा रहा है। तो दोस्तों, आप अपने बियर्ड का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो ग्रो कैसे होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और कैसे आप अपने बियर्ड को प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को देखते रहो। सबसे पहले आप अपने बियर्ड के साथ कमिटमेंट कर लो। आप डिसाइड कर लो कि आपके बियर्ड रखना है या नहीं, क्योंकि एक दो हफ्ते के बाद ही आपको इरिटेटिंग हो सकता है या किसी भी कन्फ्यूजन की वजह से आप अपने बियर्ड को ट्रिम कर लेते हो या पूरा ही शेव करते हो। तो आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा, अब मुझे बियर्ड रखना है बस। मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपने बियर्ड के साथ। अगर आपको अपने बियर्ड का अच्छा वॉल्यूम देखना है तो कम से कम 5 या 6 हफ्ते तक आपको बियर्ड को ग्रो करने देना होगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा आपकी बियर्ड की क्वालिटी। उसके बाद आपको चूज करने में आसानी होगा कितना लेंथ आप रखेंगे, मतलब आपको छोटा रखना है या बड़ा, वो भी प्रॉपर स्टेप में। तो 5 या 6 हफ्ते आपको देना पड़ेगा। आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके दोस्त लोग आपको बोलेंगे, भाई तू ये शेव करवा ले, बहुत ही गंदा दिख रहा है, क्योंकि उन दोस्तों को खुद का अच्छा बियर्ड नहीं है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से वो आपको शेव करवाने के लिए फोर्स कर सकता है। यहाँ तक कि आपके पेन से भी आपको डांट मिल सकता है और गर्लफ्रेंड से झगड़ा भी हो सकता है। तो आप लोग निराश मत होना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बियर्ड रखने की काफी सारे अच्छे फायदे के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो वो वाला वीडियो उन लोगों को जरूर दिखा देना। तो 2-3 हफ्ते के बाद आपके बियर्ड में इचिंग स्टार्ट हो सकता है। काफी सारे बंदे को ये दिक्कत आता है क्योंकि वो पहली बार ही बियर्ड रख रहा है, तो स्किन में थोड़ा इचिंग तो हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे स्किन को आदत भी हो जाएंगे और आपको भी। आप 4 हफ्ते क्रश कर लो, उसके बाद आपके ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों, आप लोग बियर्ड ऑयल यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। जो इचिंग हो रहा है, ये बियर्ड ऑयल आपको उस इचिंग को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करेगा। मैं खुद भी यूज किया है, मतलब अभी भी यूज कर रहा हूँ। ये बियर्ड को स्मूथ रखता है और हाइड्रेटेड भी रखता है, इससे आपके गर्लफ्रेंड को बियर्ड से दिक्कत नहीं होंगे। तो आप लोग समझ गए ना, क्योंकि गर्ल्स भी बियर्ड को पसंद करते हैं जब वो प्रॉपर शेप में हो। तो इस बियर्ड ऑयल को यूज कीजिए। यह है नूड सीक्रेट्स का डार्क एंड थिक बियर्ड ऑयल। यहाँ पर एक दाढ़ी वाले बाबा का इमेज दिया गया है। और यह नूड सीक्रेट्स ये GMP सर्टिफाइड कंपनी है। इसमें कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव मौजूद नहीं है। ये कंप्लीटली नेचुरल हर्ब्स से और इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। ये आपके बियर्ड को स्मूथ, रिच एंड शाइनी लुक देता है। तो दोस्तों, बियर्ड को क्लीन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन आप बियर्ड शैम्पू यूज कर सकते हो। आप फेस वॉश भी यूज कर सकते हो। फेस को क्लीन करने के साथ साथ बियर्ड में छुपे हुए डार्ट को ये क्लीन कर देगा। और रोज क्लीन करना है तो क्लीन आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको बियर्ड ऑयल यूज करना है, क्योंकि क्लीन करने के बाद बियर्ड में जो नेचुरल ऑयल मौजूद होता है वो वॉश हो जाता है, तो आपके स्किन ड्राई हो सकता है, तो आपको इचिंग वाला प्रॉब्लम फिर से हो सकता है। तो दोस्तों, बियर्ड से जुड़े हुए कोई सवाल आपके दिमाग में आता है तो कमेंट में जरूर पूछना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर देना। और आपसे गुजारिश है, और आप लोगों से गुजारिश है, आप कम से कम इस वीडियो को एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, ताकि हमारे भी जो बातचीत हुए उन्हें भी पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।